हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शाइनी और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं. आज की वीडियो में हम सीखेंगे जामदानी तात साड़ी को पूजा के लिए कैसे ड्रेप करना है, वो भी मेरे साथ लाइव दुर्गा पूजा देखते देखते. पूजा तो स्टार्ट हो ही गई है और देखते देखते खत्म भी होने को आए हैं. एंड पूजो के 9 दिन यानी दिस नवरात्रि आपको ट्रेडिशनली साड़ी को वेयर भी करना है एंड मेकअप वगैरह के साथ अच्छे से स्टाइलिंग एंड देर तक मैनेज भी करना है, क्योंकि नॉट ओनली पूजा की पुष्पांजलि बट हमें इसके बाद करनी है पंडाल हॉपिंग. और इसके लिए हमें मीलों चलना पड़ता है, क्योंकि कोलकाता दुर्गा पूजो इज समथिंग दैट्स इनकम्प्लीट विदाउट द आड्डा भूरी भोज यानी पेट पूजो और पंडाल हॉपिंग. वैसे मैं घंटों तक साड़ी में कंफर्टेबल चलना फिरना, स्टाइलिंग को भी बरकरार रखना इज अ रियली चैलेंजिंग जॉब. नहीं तो आज की वीडियो में उसी चैलेंज को थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे साड़ी ड्रिपिंग से जुड़े टिप्स कि आप जो कोई भी साड़ी फैब्रिक क्यों ना वेयर करो, इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल करने से आपके पंडाल हॉपिंग साड़ी के साथ साथ वुड बी मच इजियर. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी टिप्स आपसे ना छूटे. और आप कमेंट्स पे लिख के बताना मैंने व्हाट आई ओर इन दुर्गा पूजा की जो वीडियो डाली थी वो आपने देखी है या नहीं. तो आपको वो कैसी लगी, आई होप आपने देख ली है. एंड आज की ये वीडियो यूजफुल होने से कमेंट्स पे ज़रूर लिख के बताना. और सामने दशहरा भी तो आ रही है, सो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि अष्टमी एंड दशहरा के दिन भी तो आपको साड़ी पहनना है. नहीं सो डू लाइक एंड शेयर एंड याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. और सब्सक्राइब करने के बाद साइड के बेल आइकन को भी बजा देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक बराबर पहुंचती रहे. तो आई प्रे नवरात्रि के 9 दिन आपकी सुखद बने. तो आइए लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द जामदानी साड़ी दैट आई विल बी वेयरिंग टुडे. एंड ये साड़ी की फैब्रिक ऐसे ही बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है. सो नीचे आपको सेम कलर की ही इनर स्कर्ट आपको पहनना है. शेपवेयर पहनोगे देन इट्स टोटली कूल, बट मेरे जैसे नॉर्मल कॉटन पेटीकोट पहन रहे हो तो पेटीकोट बांध के नॉट के साथ बाकी एक्स्ट्रा क्लोथ्स को भी अपने नैफिल के पास गैदर कर लो, ताकि पेटीकोट के एक्स्ट्रा फैब्रिक की फ्लफीनेस ऊपर से विजिबल ना हो. सो ये रही साड़ी पहनने से पहले की टिप्स. एंड एक और चीज़, फुटवेयर जो आप पहन के बाहर जाओगे वही पहन लेना साड़ी ड्रेप करने के टाइम, ताकि बाद में साड़ी की हाइट ऊंची या नीची ना बने. ओके, बेस की टकिंग हमें बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में करनी है. एंड राइट हैंड साइड से जैसे स्टार्ट करना है वैसे ही घुमा के राइट हैंड साइड पे आके ही खत्म करनी है. सो वन राउंड बेस टकिंग कंप्लीट होने के बाद साड़ी की दूसरे एंड तक आ जाइए और पल्लू को सीधी पकड़ के दोनों हाथों से रफली ऐसे गैदर कर ले और पीछे से बॉडी के अराउंड घुमा के सामने ला के प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट शोल्डर. पल्लू लेंथ आप अपने हाइट के हिसाब से सेट करें, बट मैं तो बोलूँगी एज आज हम ओपन पल्लू लेने वाले हैं तो घुटनों से थोड़ी सी ऊपर तक भी ले सकते हो, और रीज़न मैं कुछ ही देर में एक्सप्लेन करती हूँ. Now take the sari border straight above your bust and pull the fabric from behind. इतना सा फैब्रिक से हमें अब सेंटर प्लीज अरेंज करना है. पर सेंटर प्लीज अरेंज करने से पहले मैं दिखा दूँ, लेफ्ट हैंड वाली सारी बॉर्डर को खींच के हमें अपने नेविल के पास ऐसे तीछा पकड़ना है एंड मेक श्योर करना है ये करते टाइम सारी बॉर्डर मुड़नी नहीं चाहिए. अब टेक अ सेफ्टी पिन एंड सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर दे. एंड सिक्योर करते टाइम हमेशा अपने पेटीकोट को साथ में लेते हुए सिक्योर करें, ताकि बाद में ये वाली जो सारी बॉर्डर है ये कभी भी किसी भी कंडीशन में लूज ना हो पाए. अब यही वाली बॉर्डर से हाथ को आगे की तरफ लेते हुए आपके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन पे और एक पतली प्लीट्स बना के ऐसे वेस्टलाइन में टक कर लेनी है. ये हमने इसीलिए करा क्योंकि हम जामदानी साड़ी पहन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर है इसकी वजह से क्या होता है, लेफ्ट हिप के वहाँ पे फ्लफी होके रहते हैं. तो अगर हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन गेट रिड ऑफ दैट. सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए राइट हैंड साइड से हाथ को आगे की तरफ लेते हुए पहले एक प्लीट बना के देख ले जे ये सीधी बन रही है या नहीं. अगर बन जाती है तो उसके पीछे पीछे जिगजैग वे में रैप करते हुए प्लीट्स बनाते चले. साड़ी की लेंथ के हिसाब से मिनिमम 5 to 6 प्लीट्स बनने चाहिए. ज़्यादा होंगे तो बेहतर है, सुंदर स्प्रेड होकर रहते हैं. तो लेप तक आने के बाद कमर की ये वाली बॉर्डर को अच्छे से अंदर की तरफ घुसा ले और घुमाने के बाद अच्छे से सारे प्लीट्स को पकड़ के झटक ले, क्योंकि जामदानी फैब्रिक खुद से दूसरे शिफॉन या फिर जॉर्जेट साड़ी के जैसे अपने आप सेट नहीं हो पाती. सो आपको मैनुअली झटकना है टू कीप दैट प्लीट्स अरेंज्ड इन प्लेस. बट एक बार अरेंज हो जाए तो सारा दिन घूमने से भी आपकी प्लीट्स की अरेंजमेंट नहीं बिगड़ती.
अब एक एक करके प्लीट कॉर्नर्स को मिला ले ताकि साड़ी इवन बने। नेक्स्ट भीतर के कॉर्नर्स को भी एक एक करके खींच के ऊपर उठा ले एंड पैरेलल बना ले विद द आउटर कॉर्नर्स। सी, खींचने से प्लीट्स की शेप मोर डिफाइंड लग रही है ना। तो अब मैं बताती हूँ हाथ को हमने सामने की तरफ लेते हुए क्यों प्लीट्स को अरेंज करी थी। इट हेल्प्स टू कीप द फर्स्ट प्लीट स्ट्रेट एंड इसके डायरेक्शन खोल के उल्टा साइड यानी राइट हैंड की तरफ नहीं मुड़ती बल्कि बाकी प्लीट्स के जैसे सेम यानी लेफ्ट डायरेक्शन पे ही मुड़ी हुई रहती है। सो जामदानी साड़ी पहन रहे हो तो ये ट्रिक का ज़रूर फॉलो करना। तो आपने देखा मैंने क्रीज लाइन बराबर अपने नेवल के पास एक एक करके सारे प्लीट्स को इकट्ठा कर लिया है ताकि हम नीचे की प्लीट को ऐसे अरेंज कर पाए, क्योंकि नीचे की साइड जामदानी साड़ी की ऐसे फ्लफी लगती है। तो हाथ से इसे अच्छे से आपको प्रेस करते जाना है ताकि हर वो प्लीट्स की क्रीज लाइन प्रोमिनेंट दिखे। एंड ऑब्जर्व केयरफुली कि मैंने नीचे की प्लीट्स को अरेंज करते टाइम कभी भी अपनी ग्रिप को लूज नहीं होने दिया, क्योंकि यहाँ से अगर ग्रिप लूज हो जाती है तो सारे प्लीट्स खोल जाएंगी और आपको फिर से प्लीट्स को अरेंज करना पड़ सकता है। नाउ आई एम गोना शेयर अ टिप। अगर आप जामदानी साड़ी पहन रहे हो देन मेक श्योर करना इनर कॉर्नर्स के साथ साथ आउटर कॉर्नर्स को भी पिन से सिक्योर करने के लिए। अगर आप आउटर कॉर्नर्स पे सिक्योर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन इनर कॉर्नर पे एक पिन का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि भीतर की ये वाली जो पिन है ये आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देती है। अगर आपके खुद के पैर चलते फिरते वक्त प्लीट्स के ऊपर पड़ती है तो इससे हमारी ड्रेपिंग नहीं खुलती और आपकी जो प्लीट्स है वो इंटैक्ट रहती है बहुत देर तक। अब एक एक करके प्लीट्स को एक साथ नेवल के पास पकड़ ले और देखिए आपको हीप के पास से भी फैब्रिक को थोड़ा सा तिरछा ऐसे दो तीन इंस्टेंट प्लीट्स पतले बना के फिर सेंटर प्लीट्स के साथ एक साथ लेते हुए वेस्ट लाइन में टक कर देनी है ताकि लेफ्ट हीप के यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है वो अच्छे से बन जाए। एंड टकिंग के बाद इफ़ यू हैव एनी एक्स्ट्रा फैब्रिक एट द राइट साइड से भी वहीं पर मैनेज करके राइट पर ही टक कर देनी है। और हाँ, यहाँ पे इन केस अगर फ्लफी लगती है तो नो वरीज, क्योंकि हमारे यहाँ से पल्लू स्टार्ट होने वाली है तो इससे ढक जाती है। तो आइए अब पल्लू को सेट कर लेते हैं। एज हम नॉर्मल ओपन पल्लू कैरी करने वाले हैं तो लेफ्ट हिप के पास से फैब्रिक को अच्छे से खींचते हुए लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस कर ले। और शोल्डर पे प्लेस करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि ये बस्ट वाली जो बॉर्डर है इसे हमें टाइट फिट रखना है एंड पीछे की ये वाली जो बॉर्डर है इसको भी मेक श्योर करना है ताकि ये किसी भी कंडीशन में ना मुड़ पाए। एंड इसकी जो गैप है ये ब्लाउज से थोड़ी सी दूर रखे और कभी भी ब्लाउज के ऊपर ये वाली बॉर्डर को चढ़ने मत दे। सो साड़ी बॉर्डर को हाथ को पीछे की तरफ लेते हुए अच्छे से टाइटली खींच ले एंड एक सेफ्टी पिन लेके हाथ को जितना हो सके पीछे की तरफ लेते हुए सिक्योर करें। इससे क्या होता है नीचे झुक के कोई काम करते वक्त सामने की तरफ पल्लू नहीं गिरती। सो ऑलवेज सिक्योर योर पल्लू विद अ ब्लाउज फैब्रिक अ लिटिल बैक साइड। नाउ हेयर इज अ टिप। टकिंग के पहले अगर आपने प्लीट्स में पिन का इस्तेमाल नहीं करा है तो अब एक सेफ्टी पिन लेके पिन का इस्तेमाल कर लो टू सिक्योर द सेंटर प्लीट्स विद द पेटीकोट। और पिन का इस्तेमाल आप भीतर से करें ताकि ऊपर से विजिबल ना हो बस थोड़ी सी ही दिखे। एंड ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पुष्पांजलि के टाइम बहुत भीड़ भी होती है एंड पंडाल हॉपिंग के टाइम हमें मीलों चलना पड़ता है तो ऐसे चांसेस बहुत ही होते हैं कि हमारे खुद के स्टेप्स प्लीट्स पे पड़ के ड्रेपिंग खोलने की। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके ड्रेपिंग के साथ कुछ ऐसा हो तो ज़रूर इसे सिक्योर कर लेना। एंड नाउ टाइम फॉर अनदर टिप। अगर आप ओपन पल्लू कैरी करते हो विद अ जामदानी साड़ी तो हाथ के ऊपर हर टाइम ऐसे पल्लू कैरी करना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है, क्योंकि हमें अगर चलना पड़ता है या फिर पुष्पांजलि के टाइम ऐसे अंजलि देना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल होता है ओपन पल्लू के साथ। तो एक जुगाड़ है, बस हाथ के एल्बो के पास जहाँ पे आप पल्लू को रखने वाले हो वहाँ पे वन बाई वन ऐसे प्लीट्स वाइज अच्छे से गैदर करने के बाद इसे आप एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ से इसे सिक्योर कर सकते हो। सो सी, ऐसे सिक्योर कर लेने से पल्लू की जो अरेंजमेंट है वो अच्छी भी दिखती है और आपके काम भी बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि कैरी करना इसे इजियर बन जाता है। और इसके साथ साथ ओपन पल्लू कैरी करने का एक और फायदा है क्योंकि इससे हमारी पल्लू के जो डिज़ाइंस होते हैं वो सारे ऊपर से विजिबल होते हैं, जो कि अगर हम ऐसे प्लीट्स में अरेंज करके अगर पल्लू बनाते हैं तो ये सारे छिप जाती है। नहीं तो आज की साड़ी को एज यू कैन सी मैंने हैंडमेड ज्वेलरीज के साथ पेयर अप करी है और बालों में बन के अराउंड लगाई है क्लासिक फ्रेश गजरा
हाथों में शाखा पौला जो है साइंस ऑफ द मैरिड वीमेन, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक एंड सिंदूर। तो दुर्गा पूजो स्पेशल साड़ी ड्रेपिंग को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है। होप आपको पसंद आई है। इफ़ येस और आप ये ट्राई करने वाले हो देन वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन ऐसे ही और भी ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग वीडियोस में लाने वाली हूँ। सो दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें और कमेंट्स पे अपने कीमती व्यूज़ भी लिखना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले दिन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।